नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी की स्थापना किस स्थान पर की जानी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी की स्थापना किस स्थान पर की जानी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों, पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। पहले का ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। दोस्तों दूसरे पहले के महत्वपूर्ण जानकारी है तो अपने नोटबुक में पहले इसको नोट कीजिए। विश्व के सबसे बड़ी रिफाइनरी एवं मेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना दोस्तों 14 जून 2017 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य MOU संपन्न हुआ दोस्तों। इस रिफाइनरी की स्थापना महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के काबुलवाड़ी तालुका राजापुर में की जाएगी दोस्तों। बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों, अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर निम्न में से कौन आसीन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव पर आयुक्त के पद पर निम्न में से कौन आसीन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचल कुमार ज्योति। दोस्तों इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है तो इसको नोट कीजिए। जुलाई 2017 में श्री अचल कुमार ज्योति को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। वही सुनील कुमार अरोड़ा को सितंबर 2017 चुनाव आयुक्त बनाया गया है। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों देश की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम निम्न में से कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। देश की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम निम्न में से कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरे का जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम प्रथम, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, तरुण। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे के महत्वपूर्ण जानकारी है तो इसको नोट कीजिए पहले। दोस्तों भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत 22 मई 2017 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा की गई दोस्तों। यह रेल छत्रपति शिवाजी मुंबई तथा गोवा के बीच में हुई दोस्तों। दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर 54,552 लोगों ने एक साथ योग करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। दोस्तों इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है तो इसको नोट कीजिए। योग दिवस 21 जून 2017 को तीसरी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया दोस्तों। इसकी शुरुआत शहद
अबरुद्दीन ने किए। गुजरात के अहमदाबाद में एक स्थान पर 54,522 लोगों ने एक साथ योग करके निजी बुक में रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2018 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य में सौंपी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। वर्ष 2018 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। विश्व 2018 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड दोस्तों। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है तो अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए दोस्तों। दोस्तों 19 दिसंबर 2014 को चेन्नई बैठक में झारखंड सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी झारखंड को सौंपी गई थी। 36वीं राष्ट्रीय खेल गोवा में, 37वीं राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया है वह कहां स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया है वह कहां पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है तो दोस्तों अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन समता मंडल में उपस्थित होती है जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है दोस्तों। इसे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती है दोस्तों। समता मंडल में वायत होने वाली ग्रीन हाउस गैसों को ओजोन को नष्ट करते हैं। ओजोन का सबसे अधिक हार्स होने वाली अंटार्कटिका के ऊपर चलता है दोस्तों। समता मंडल में ओजोन के सांद्रण का हार्स ओजोन छिद्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाले दिल्ली सुल्तान कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक दोस्तों। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है तो अपने नोटबुक में इसको भी नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक था। उसने हिंदुओं को जिम्मी इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा। उल्लेखनीय है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर प्रतिरोपित करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप किस राज्य में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप किस राज्य में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। साथियों का जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप किस राज्य में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक दोस्तों। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी तो नोट कीजिए। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कुंचिकल में है दोस्तों, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कहाँ है?
तो ये कुंचिकल में है दोस्तों, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो इसको अपने नोटबुक में इंपोर्टेंट लगा लें दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आर्द्रता शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दोस्तों, नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसको पहले नोट कीजिए। लेटेराइट मृदा का निर्माण आर्द्रता शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। इनमें लोहा तथा एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट लगा लें, चाहे बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको मुझे मालूम है सभी को आता भी है। लावणा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। लावणा क्या है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। देखते हैं इसका कौन कौन आंसर दे पाता है। लावणा क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नोए का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। मांगलिक अवसरों, विवाह आदि, रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों आदि में बांटी जाने वाली मिठाई को लावणा भी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में कहा जाता है इसको। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो समझिए इसको। लावणा राजस्थान में शुभ एवं मांगलिक अवसरों, विवाह आदि व रिश्तेदारों व पड़ोसियों आदि में बांटी जाने वाली मिठाई को लावणा कहते हैं दोस्तों। दोस्तों सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। आपसे आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है, तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें।